हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम। हियर आई एम विकास कुमार बनवाल। यू आर वाचिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास विच इज यूजीसी नॉट नेट कॉमर्स पेपर टू। नो फ्रेंड्स, टुडे वी विल नो द टॉप टेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वन स्पेशल टॉपिक विच इज अबाउट द NIPFP, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। नाउ लेट्स सी और लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो मैं बता दूं कि जो भी विद्यार्थी यूसी नेट कॉमर्स पेपर टू की तैयारी कर रहे हो और मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। बनवाल ट्यूटोरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एवरीडे 8 PM में क्लास ली जाती है ऑनलाइन, तो आप सभी जुड़ सकते हो और आप सभी का ऑलवेज वेलकम है। और बता दूँ कि कल मैंने विदेशी मुद्रा भंडार पर एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसको आप जरूर पढ़ लें क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन कन्फर्म है आएंगे, या दो तीन क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो इसको जरूर याद कर ले कि कहा जा रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार इस वर्ष फाइनेंशियल ईयर्स 2020-21 में, 2019-20 में, 18-19 में कितना रहा, इस तरह का सवाल जो है 100% चांस है कि पूछे जाएंगे। तो अब उसको जरूर देखना, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए क्लास की आज की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यदि नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे पहुंच सके। चलिए आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जानते हैं आज का पहला सवाल, उद्योगों में कामगारों की भी सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में भारत में किस परिषद की स्थापना की गई थी। तो का कारखाना सलाह परिषद, ख सुरक्षा विनिमय परिषद, ग राष्ट्रीय औद्योगिक परिषद और घ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। योर करेक्ट आंसर इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपको, आप जरूर इसको याद रखें। तो खा योर सुरक्षा विनिमय परिषद इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। सूत्रधारी कंपनी और इसकी अनुसंगिक कंपनी का समेकित आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित में से किसके द्वारा या किसके अनुसार तैयार किया जाता है। तो लेखांकन मानक 11, लेखांकन मानक 21, लेखांकन मानक 22, लेखांकन मानक 23। तो लेखांकन मानक 21 के तहत जो है किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखिए। लेखांकन मानक 6 ह्रास जो है संपत्तियों में आयोजित की जाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये था, इसको जरूर याद रखें। ये लेखांकन का जो भी 143 तक जो भी दिए गए हैं और भी बहुत सारे हैं, उसके लिए मैंने भी सेपरेट वीडियो बनाया है, तो उसको भी देख ले। एडम स्मिथ ने निम्नलिखित में से कौन सा मजदूरी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो आजीविका सिद्धांत, मजदूरी निधि सिद्धांत, अवशेष दावाकर्ता सिद्धांत और घा मजदूरी का सौदागारी सिद्धांत। तो योर करेक्ट आंसर इज ख मजदूरी निधि सिद्धांत का जो है इन्होंने प्रतिपादन किया था, कौन, एडम स्मिथ ने। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, ऋण वित्त पोषण निम्नलिखित में से किसके कारण वित्त का एक सस्ता स्रोत है। तो धन का समय मूल्य, ब्याज दर, ब्याज की कर कटौती क्षमता, लाभांश उधारदाता को दे नहीं है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ग है ना, यानी विकल्प ग, ब्याज की कर कटौती क्षमता जो है वित्त पोषण का सस्ता स्रोत होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस पंचवर्षीय योजना से सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि पर जोर दिया जाने लगा। तो क विकल्प 5वीं, ख छठी, ग 7वीं और घ 10वीं। तो आपका विकल्प कौन सा सही है, तो घ यानी ऑप्शन घ 10वीं में जो है सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि, ग्रोथ इन द सोशल जस्टिस पर जो है जोर दिया जाने लगा ये पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक संबंधों की प्रणाली उपागम का प्रतिपादन किया है। तो बिट्राइस ने, जॉन डनलप ने, एरिक ट्रिस्ट ने, हेनरी फॉयल ने। तो योर करेक्ट आंसर इज ख विकल्प ख, जॉन डनलप ने जो है औद्योगिक सिद्धांत संबंधों की प्रणाली का उपागम का प्रतिपादन किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट सवाल, ये सभी आपको मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर्प्रवाह नहीं है, यानी जिसे रोकड़
जो है नहीं प्राप्त होता है। तो साफ दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर ख का ग घ, यानी देनदारों की कमी, लेनदारों की कमी, अंशों का निर्गमन, दायित्व स्थायी संपत्ति का विग्रह। तो क्या का आंसर होगा सही, विकल्प का, लेनदारों की कमी से क्या, तो रोका प्रवाह नहीं होता है, रोका जो है कम होने लगती है ना, देनदारों से रोका बढ़ती है, अंशों का निर्गमन से भी, स्थायी संपत्ति का विग्रह से भी जो है अंतर प्रवाह होता है रोका का, इसमें लेकिन नहीं पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। भावी ग्राहक की साख सूचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है? तो साख पत्र, का ख बैंक संदर्भ, ग व्यापारिक पूछताछ, और घ साख ब्यूरो। तो आपका सही विकल्प है ख बैंक संदर्भ, है ना, बैंक संदर्भ में जो है ये भावी ग्राहकों का साख सूचना के लिए जो है स्रोत नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। घरेलू मुद्रा में किस कारण ह्रास आता है? घरेलू मुद्रा में किस कारण ह्रास आता है? तो का स्थिर मुद्रा स्फीति दर, मुद्रा स्फीति दर का निम्न किया जाना, उच्च मुद्रा स्फीति दर, और घ उपयुक्त सभी। तो सभी को पता होना चाहिए ये ऑप्शन इज जो है ग, उच्च मुद्रा स्फीति दर से जो है घरेलू मुद्रा में क्या आता है, ह्रास आता है ना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था ये, अक्सर जो है आप देखोगे इन दिनों की घरेलू मुद्रा में ये स्थिति बनी हुई है। आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न सामूहिक साधुवादी के प्रकारों में से किसमें एक पक्ष को दूसरे पक्ष की कीमत पर लाभ होता है? तो का वितरण सौदेबाजी, खा समन्वय सौदेबाजी, ग केंद्रीकृत सौदेबाजी, उपयुक्त में से कोई नहीं घ। तो ये तो आपका सही हो गया वितरण सौदेबाजी, करेक्ट आंसर क्या है, वितरण सौदेबाजी, यानी ऑप्शन का जो है ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। तो चलिए इसी के साथ आज का जो है नेक्स्ट चलते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के बारे में। तो सार्वजनिक वित्त और नीति के राष्ट्रीय संस्थान NIPFP सार्वजनिक अर्थशास्त्र और नीतियों में अनुसंधान के लिए एक केंद्र है। 1976 में स्थापित संस्थान सार्वजनिक अर्थशास्त्र से संबंधित क्षेत्रों का अनुसंधान, नीति समर्थन और क्षमता के निर्माण का कार्य करता है। संस्थान के प्रमुख आदेशों में से एक विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करके सार्वजनिक नीतियों को तैयार करने और सुधारने में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार की सहायता करना है। वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, कई राज्य सरकारें और प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की संयुक्त पहल पर संस्थान को एक स्वायत्त समाज के रूप में स्थापित किया गया था। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। तो ये क्या है, एक थिंक टैंक इसको आप बोल सकते हो, जो क्या करती है सार्वजनिक तौर पर जो है अर्थशास्त्र संबंधित अन्य नीति समर्थन की बात की जाए, क्षमता निर्माण की बात की जाए, उनके कार्यों की या अनुसंधान की बात की जाए, इसको काम करती है ये वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और कई राज्य सरकारों द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। तो यह एक स्वायत्त जो है रूप से काम करती है। अपने 40 वर्षों के अस्तित्व में संस्थान भारत के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में उभरा है और सरकार के सभी स्तरों पर नीतिगत सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, या नीतिगत सुधार जो भी आर्थिक नीतिगत सुधार होते हैं उसके लिए जो है ये काम करती है। इसने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ कार्यात्मक संबंध बनाए रखा है और भारत और विदेशों में अन्य शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के साथ संबंध बनाए हैं। यद्यपि संस्थान को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों से वार्षिक अनुदान प्राप्त होता है, यह अनुसंधान और नीति की खोज में एक स्वतंत्र गैर सरकारी चरित्र रखता है। तो काफी ये जो है बहुत जो है एक भारत की एक थिंक टैंक के रूप में, एक बड़ी संस्था के रूप में कार्यरत है, यानी काम कर रही है, जिससे भारत की जो है वित्तीय और नीतिगत पॉलिसी को जो है देखने में, समझने में काफ़ी मदद मिलती है। NIPF के शासी निकाय में वित्त मंत्रालय के 3 प्रतिनिधि, भारत के योजना आयोग का प्रतिनिधि, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि, प्रायोजित राज्य सरकारों के 3 प्रतिनिधि, 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सहयोगी अनुसंधान संस्थानों के 3 प्रमुख शामिल हैं और अन्य प्रायोजकों, एजेंसियों और आमंत्रितों के सदस्य। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। 18 जून 2020 को आयोजित एक बैठक में शासी निकाय ने 4 साल की एक और अवधि के लिए खुद को पुनर्गठित किया है, यानी 2020 से लेकर के
5 अप्रैल 2020 से लेकर के 4 अप्रैल 2024 तक जो है इसका पुनर्गठन किया गया है, 4 साल की अवधि इसको बढ़ाई गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाई, इससे जुड़ी तमाम तरह की जानकारी, इसमें कौन वर्तमान में अध्यक्ष हैं, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, तो काफी जानकारियां थी। तो ये देख सकते हैं, उर्जित पटेल अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ NIPFP, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, 22 जून 2020 को जो है इनको इनका नियुक्त किया गया। तो ये थी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आज की क्लास से काफी कुछ जानकारियां मिली होगी और आप लोगों को बहुत सारे सवालों को जानने की जो की व्यवस्था की गई है वो काफी इंपॉर्टेंट थी। आई होप आप सभी खुश होंगे और आप सही तैयारियों के साथ स्टडी के साथ अपना तैयारी कर रहे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर लाइक एंड कमेंट। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच अगेन।